सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग भाई सभी को, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। बहुत दिनों बाद आज शूट कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं जब भी शूट करता हूँ जब आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, वरना फालतू की वीडियो अपलोड करना अच्छा लगता मुझे, ठीक है। तो आज है भाई दशहरा, तो सबसे पहले जितने भी लोग व्लॉग को देख रहे हैं सभी को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं, सेलिब्रेट करना, ठीक है। दुनिया कुछ भी कहे कि आज ये वो त्यौहार है, साल में एक बार आता है, सेलिब्रेट करो उसको। जब आप लोग हमारी एज में जैसे काम हम करने लग जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर यही कुछ दिन है जो आदमी अपनी एक लाइफ जो होती है ना वो एक दो दिन एंजॉय कर सकता है। तो दुनियादारी मत पढ़ना, मस्त एंजॉय करो, ठीक है, और अपने घर वालों को ध्यान रखा करो। बाकी हाँ, मैं एक और बात बताने वाला हूँ कि मैंने भाई एक छोटी सी अपने लिए एक बाइक ली है। मैं उसका व्लॉग शूट किया था लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा हो गया, फिर व्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ बहुत क्लिप्स हैं वो दिखा दूंगा। बाइक कौन सी ली वो भी दिखा दूंगा। लेने का कुछ प्लान और था लेकिन वो मिल नहीं पाया, मतलब एट द पॉइंट तुरंत नहीं मिल पाया, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ा था, तो इंतज़ार होता नहीं है। तो हमने जो भी ली है वो ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, वो दिखा दूंगा। और आज है दशहरा, तो आज भाई हम भी अपना जो दशहरा है वो इंजॉय करने वाले, मनाने वाले, तो आज मस्त व्लॉग होने वाला है। सबसे पहले भाई जितने भी लोग चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर जाना और व्लॉग को पूरा देखना, तब जाकर भाई इन्जॉय कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। क्योंकि मैं व्लॉग जब भी बनाता हूँ जब मैं आप लोग को कुछ छोटा मोटा कंटेंट दे सकूँ, वरना फालतू की वीडियोस बना के कोई मतलब नहीं है। पूरा दिखाऊंगा कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बाइक जो लाया हूँ वो भी दिखा दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, मैं नहा धो के फ्रेश होकर सब कुछ करके फिर आपको बाइक भी दिखा दूंगा चलने से पहले, या फिर बाद में दिखा दूंगा। भाई मौसम देखो, अभी धूप थी, अब भाई बादल बादल आ गए। मुझे तो लग रहा कहीं जाते जाते बारिश ना हो जाए, कहीं जाना भी कैंसिल करवा दे हमारा। उधर से देखो बादल तो आ रहे हैं भाई, पता चले हमारी प्रोग्राम जितना कैंसिल हो जाए आज का, चलो देखते हैं। तो भाई अभी नहा धो के खा पी के तैयार हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है, जाने से थोड़ा ही टाइम पहले। तो मैंने सोचा कि बाइक दिखा देता हूँ वरना फिर दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये रही भाई, देखो ये है बाइक, ठीक है, ये ली है ब्लैक कलर वाला, सिंपल सोबर कलर है। बाकी ये डुअल डिस्क विथ ब्लूटूथ वाला वेरिएंट जो आता है ना वो, इससे ऊपर कुछ नहीं आता, सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा बस। तो ये सारी चीज़ें हैं, एग्जॉस्ट वाइस का नया वाला है। एग्जॉस्ट की अगर आवाज़ कहोगे तो मैं अभी सुना दूंगा, चलो सुना देता हूँ। तो ये देखो भाई, ये है इसकी चाबी, ये बैंड पड़ा हो तो पहनता नहीं था, तो मैंने ये इसी में लगा दिया, सुपरमैन वाला, ठीक है। इसकी आवाज़ सुनाते सुना देता हूँ एक बार भाई, मस्त आवाज़ है, ये देखो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से किया ऑन और आवाज़ सुनना, इसकी आवाज़ फिलहाल करते हैं इसको बंद, ठीक है। ये आवाज़ थी, ये देख लो भाई, कभी बाद में बोलो बाइक नहीं दिखाई, ये लो, ठीक है, प्रॉपर। भाई किस्मत ख़राब होना देखो किसे कहते हैं, मैं वो वाली बाइक नहीं लाया, उसका रीज़न बाद में बताऊंगा। ये देखो ये लाया और इसकी हवा निकल गई, पंचर तो नहीं हुआ, ट्यूबलेस वाला है, इसकी हवा निकल गई। भाई इतनी किस्मत मेरी ख़राब है, देखो कहाँ पर हूँ मैं, कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ से ऐसी घसीट के ले जाना पड़ेगा इसको, ठीक है भाई। हवा भरवा लूँ पहले फिर मिलता हूँ इसकी। तो भाई अप्सरा, अप्सरा पेंसिल, क्या हाल चाल है? वो देखने के लिए रखिएगा भाई। हाँ उसका रीज़न भी बताया तो मैंने बोला था रीज़न बताऊंगा भाई। वो पता क्यों लाया, क्योंकि देखो वो खड़ी ऐसी ऐसी जगह पर होनी है जहाँ पर बाइकों से थोड़े इंसान गायब हो जाए, और अभी तक आए उसका नंबर है नहीं। अब भाई अगर वो गई ना गई तो उसे ढूंढ लेंगे भाई, उसमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे, इसलिए इससे चल रहे भाई आज। ये कौन है? चार चल एक बनो। ये देखो भाई भीड़ देख रहे हो, पुलिस पुलिस। ये देखो भाई, ये हमारे रायपुर का मेला, ठीक है, जहाँ हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ जिम आते हैं हम रोज, रोज नहीं आते मतलब जब भी आते हैं। ये हमारा रायपुर का भाई, भीड़ देखो क्या तगड़ी है। ये चीज़ बस ये यही तो है, मोटरसाइकिल है तो छोड़ दो सबकी, और कुछ थोड़ी है। अब बताओ भैया कैसे हो, ब्लॉग चल रहा है ब्लॉग। आज बताओ आज यहाँ कैसे भाई, रेट चेक कर रहे होगे? रेट भाई सबसे सस्ता वाला देखना। नहीं हर बार का फेवरेट, हर बार का फेवरेट नहीं, और जिसको आना भी है तो वो भी यही, ये वो भी है।
पर भाई जहां हम ये खा रहे हैं बस जहां हमें आना था वो यही है। यहां से लेफ्ट है अरमापुर, कानपुर वालों को पता होगा, लखनऊ वालों को भी शायद पता ही होगा, तो अरमापुर है यहां का। सबसे पहले यहां देखेंगे फिर आगे जाएंगे, वहां का जो भी होगा वो बताऊंगा। ये देखो भाई ऐसे दिखते हैं ये हमारे काजू फालूदा। और जो मुझे पता कुछ खास लोग हमारे देख रहे थे तुम्हारे लिए भाई, नहीं, हाँ, करके उन लोगों ने ना कर दिया। हाँ, तो तुमने ये मिस कर दिया। जो सो रहे हैं उनके लिए भी। हाँ, जो सो रहे हैं उनके लिए भी। पूरा ऊपर से उठा के जल्दी ऊपर से उठा के भाई ये है भाई हमारी एंट्रेंस अरमापुर वाली, श्री 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 शब्दोजन दुर्गा पूजा कमेटी अरमापुर। ठीक है, वेलकम भाई, भीड़ देखो क्या तगड़ी है। ये देखो इसे कहते हैं प्रॉपर मेला। फिर से सेम लाइन, जो नहीं आया वो देख ले। हाँ, जो नहीं आया है वो ब्लॉग में एंजॉय कर ले और अपनी सांसें भरे बैठ बैठे। असली तो इधर था, हम तो आधा उधर ही घूम के आ गए, लेकिन ये देखो इसे कहते हैं झूला, बढ़िया वाला। ये देखो भाई आधा उधर हम लोग घूमे, कुछ फायदे का सौदा हमें दिखानी, फिर हम इधर आ गए। सौदा तो करने नहीं आए। अरे मेरा मतलब है कुछ अच्छी चीज़ दिखी भाई। एक ही कर दो, कौन सा पनीर वाला? हाँ पनीर वाला, पनीर वाला एक कर दो। नहीं फिर से सेम लाइन, जो नहीं आए जो सो रहे हैं। हाँ, जो सो रहे हैं और जो नहीं आए जिन्होंने फोन पर गुप्त करी थी वो देख ले। ठीक है, एक पनीर वाला लगा दो, है ना, जल्दी। नहीं ट्राई कर रहे भाई, अच्छा लगेगा तो एक और मंगा लेंगे, वैसे देखने में तो कुछ खास लग नहीं रहा है। ये पनीर इसमें कहाँ है? ये सफेद सफेद जो ऊपर से बस इतना ही पनीर है? ये इसी की पसंद थी, नहीं, मेरी पसंद है। ये भाई दुर्गा माता जी का यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई है माता जी की। ठीक है, देख लो ये चीज़ है यहाँ पे, ये देखो। अभी तक तो पता नहीं था कि सबसे बड़ा वाला मेला किधर है भाई, अब पता चला, अब वहाँ जा रहे हैं, बस पहुँच ही गए समझ लो। अलग दिखेगा, हाँ वहाँ कुछ अलग ही दिखेगा एकदम भाई, इंटरेस्टिंग चीज़। ये है भाई मेन एंट्रेंस, मेन मेला की सबसे बड़ा वाला लगता है ना अरमापुर का, वो देख लो। देखो भाई बड़े बड़े झूले हैं यहाँ पे, ये लग रहे भाई, भीड़ इतनी कि जाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन हम जाएंगे जरूर। भाई अभी देखो हाल फिलहाल में हमारा हो गया प्लान चेंज, मेला वेला तो हम लोग घूम चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन अब जा रहे हैं मूवी देखने। बस इसका आइडिया था कि भाई हाँ लियो आइए, लियो ना है, और उसको ट्रेलर भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है, मेरे में मिल जाएगा, नहीं फ्री मूवी मिलेगी पूरी। हाँ फ्री मूवी मिलेगी, तो अभी भाई चलते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और भाई उसके बाद देखो थोड़ा इसका पैक, मतलब पैक कर रहा, इसका प्रोग्राम बन गया, तो वो खाने आ गए हैं। हाँ वो अपने कौन से भाई? दीक्षांत भाई। दीक्षांत भाई वो लाल लाल टी शर्ट में दिख रहे होंगे आप, कॉमन मैन। हमने सोचा कि थोड़ा जूडियो को चक्कर मार लेते हैं, कुछ अगर पसंद आ गया अपना विंटर कलेक्शन तो उठा लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता नहीं कि कुछ पसंद आने वाला है, और हमें तो खास कर नहीं आता, साला कलेक्शन ही बेकार है सारा। ठीक है, तो देखते हैं फिर बताते हैं भाई। कुछ समझ नहीं आया, जा रहे हो वापस क्यों? क्योंकि मूवी का टाइम जो है वो होने वाला है, ऑलमोस्ट 10 से 5 मिनट बचे हैं, तो वहाँ पहुँचने पहले फिर मिलते हैं आगे। भाई बाइक अपनी वहाँ खड़ी कर दी है आगे मॉल में, ठीक है, बाहर से दिखाना भूल के क्योंकि लेट हो गया था। ठीक है, अंदर से दिखाता हूँ। हाँ ये देखो भाई गणपत उनपत, ये नहीं देखेंगे, ये नहीं, एक मूवी है बस वही देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आए भाई, देखो ये है, क्या है, रतन हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड, मतलब इसका नाम है रतन हाउसिंग सिनेमा करके नाम है इसका, ठीक है। बॉक्स ऑफिस यहाँ से अपनी टिकट कलेक्ट कर ले पहले, फिर चलते हैं। ये है भाई देखो सिनेमा हॉल, मूवी टाइम, ठीक है, यहाँ अभी चलते हैं और फिर चल के अंदर का सीन समझाता हूँ। सो भाई देखो अपने मूवी वूवी वाली जगह पर तो आ चुकी है, एक ही जगह हमें मिलती है जहाँ लाइटिंग वाइटिंग अच्छी मिल जाती, ठीक है, तो यहीं पे आए हुए अब जा रहे मूवी देखने, फिर अंदर का सीन दिखाता हूँ। ये है सारा का सारा देखो एरिया, स्क्वायर फिट में नाप लेना कितने का। स्क्रीन वन में भाई अपना सीन, तो खाली पड़ा ऊपर उधर जाइए, अमिताभ बच्चन जी हैं वहाँ। कहाँ है हमारी सीट? ये भाई हमारी सीट का ट्राई मत करो, वो सी लेवल एटीएल जूनियर के डब्बे, ठीक है। फुटप्रिंट्स बड़े हैं, स्पॉटेड आईना भी हो सकता है, अगर वही है तो बहुत खूंखार होगा। क्या ना भाई खत्म भाई, रिव्यू दूंगा मूवी का, रिव्यू
भाई रात के बज गए हैं एक, तो मैं सीधा निकलूंगा पहले घर, क्योंकि गाली सुनने काम तो हो चुका, घर पहुंच के फिर व्लॉग एंड करूंगा। गाली नहीं, गाली नहीं। भाई वो चली गई, नहीं मारता जरूर, लड़की छेड़ रहे थे भाई। तो भाई अभी देखो, अभी कल की बात बताता हूँ, अब व्लॉग एंड करूँगा क्योंकि कब तो रात हो गई थी तो कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो कल भाई 1 बजे तो मूवी खत्म हुई थी, 1 बजे मूवी खत्म होने के बाद हम थे 30 किलोमीटर करीब घर से दूर, हाँ 30 किलोमीटर करीब घर से दूर से। भाई ऐसे आए ना रात के टाइम में कि ये समझ लो मेरी बाइक का इस वाली का क्लच ना भाई फ्री हो गया था। भाई पता नहीं उसका क्लच व्लच कैसे फ्री हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्लच फ्री हो गया ऐसे लाए बिना क्लच के, मतलब ऐसे गियर मारते हुए, और अभी जाके दोबारा से क्लच में दबा रहा तो फिर से वो काम करने लगा। भाई पता नहीं उसमें क्या हो गया था। बाकी भाई दिखाता हूँ, देखो क्या हुआ था, एक सेकंड, ये देखना यहाँ पे, ये देख रहे हो टूट गया है ये ना, फोकस हो जा, हाँ ये चीज़ देख रहे हो, ये भाई इसकी टूट गई है, ऐसी रात में लेके आए 70-80 के करीब, तो भाई ये इसका टूट चुका है इसलिए ये फ्री हो गया था, अभी तो काम कर रहा है ये फिलहाल, ठीक है। तो इसलिए कल रात मैं नहीं कर पाया और चार गाली सुनने को और मिली, क्योंकि भाई 2 बजे के बाद मैं घर में घुस पाया हूँ। हाँ लियो मूवी का रिव्यू, भाई मूवी एक नंबर है, अगर कोई यहाँ पे देखना चाहे देख सकता, आराम से जाके देखो भाई, एक नंबर, रिग्रेट नहीं होगा कि भाई हम तो ऐसे देखने चले गए थे, हमारा कोई प्लान नहीं था, हमें मुझे तो पता नहीं था कि लियो कोई मूवी आ रही है, लेकिन भाई मूवी बढ़िया, जाके देख सकते हो। और अब करता हूँ भाई ब्लॉग को एंड, क्योंकि मैंने बोला था मूवी का रिव्यू दे दूँगा, मूवी बहुत बढ़िया, जाके देख सकते हो। और एक बार फिर से सभी को दशहरा की शुभकामनाएं, वैसे तो चला गया आज अगला दिन, तो यहाँ तक अगर आ गया तो ब्लॉग को लाइक करके जाना, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हम लोग डालते रहते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।